सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि समय का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अभी इतने समय से हम एक दूसरे को सामने नहीं देख पा रहे हैं। क्या हमारा समय हमारे लिए रुका है कि विद्यालय खुलेगा तो पढ़ाई होगी? समय किसी के लिए कभी नहीं रुकता। एक एक क्षण, एक एक दिन बीतता जा रहा है। हमें इस समय में का सदुपयोग करना सीखना चाहिए और समय के महत्व को जीवन में समझना चाहिए। इसी पर आधारित हम एक कविता का पठन पाठन करेंगे। यह कविता कवि सिया राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। बच्चों, यह बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस कविता के द्वारा कवि ने हमें क्या समझाना चाहा है। अभी समय है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा। देखो देखो, अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम, उसी में अपना चित लगा दो। पूर्ण तुम्हारा मनोमिष्ट क्या कभी न होगा? होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को? छलते हो यूं हाय, स्वयं क्यों अपने को? ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे? होकर पीछे इसे सर्वथा तुम पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं जो तुम कर जाओ। हो जिसमें परमार्थ तथा तुम सुख पाओगे। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा। बच्चों, अपने जीवन में आप इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा कि हमारे सामने एक एक क्षण सुयोग की भांति, सुयोग मतलब अच्छा योग, सुयोग की भांति प्रत्येक क्षण आता है और हमें संदेश देता है कि इसी क्षण हमने जो अपने जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पूरा करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। काल करे सो आज कर। आप सभी कबीरदास जी की इन पंक्तियों से भलीभांति परिचित हैं। क्यों कबीरदास जी ने लोगों को सिखाया कि जो कल करना है उसको अभी करो, ताकि हमारा जो समय है उसका सदुपयोग हो सके और हम जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएं। जो काम करना है उसी में अपना चित लगा दो। चित मतलब मन लगा दो। पूर्ण तुम्हारा मनोमिष्ट क्या कभी न होगा? होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। अगर हमारा काम अभी नहीं होगा तो फिर कभी भी नहीं होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को? छलते हो यूं हाय, स्वयं क्यों अपने को? कई बार हम सोचते हैं कि अभी समय नहीं हुआ है काम करने का, जब समय होगा तब करेंगे। समय कभी हमारे पीछे नहीं आता है, हमसे आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए, नहीं तो हम खोकर सर्वदा उसको पछताएंगे। और हमें जीवन में वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारा यश हो और दूसरों का परमार्थ हो। तो बच्चों, यह कविता तो है कवि सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित, आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ 6 में समय कविता है, जिसके कवि हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी। बच्चों, इस कविता को आप कंठस्थ कर लीजिएगा और किस प्रकार से कविता को गाना है इसको भी आप सीखिए। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहां जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता।
एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहां जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। बच्चों, इन पंक्तियों को आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे भीषण आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पर समय किसी से डरने वाला नहीं है, वह किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। एक बार जो समय बीत जाता है वह दोबारा कभी भी नहीं आता है। बीता हुआ पल वापस नहीं आता। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से समय बीत रहा है और कई बार हम स्वयं पछताते हैं कि क्यों नहीं हमने वह काम पहले किया। इसके लिए कवि ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि पेड़ से डाल से टूटा हुआ पत्ता दोबारा वापस हम कभी नहीं जोड़ सकते। उसी तरह से जो समय हमारे हाथ से छूट जाता है हम उसको वापस अपने जीवन में कभी नहीं ला सकते। तो इन पंक्तियों के द्वारा कभी हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि समय के साथ बंधुत्व करना चाहिए, उसके साथ मिलकर कदम बढ़ाकर चलना चाहिए यदि हम जीवन में उन्नति चाहते हैं। तो समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जीवन में ऐसा कोई भी महारथी नहीं है जो यह कह सके कि मैं समय से बलवान हूँ। समय आने पर चाहे कितने बड़े योद्धा हो, महारथी हो, सब काल कलवित हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, जो समय से कदम मिलाकर चलता है जीवन में वही आगे बढ़ता है, समय उसी को प्यार करता है। कई बार हम कहते हैं ना, हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा है। अच्छा समय क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमने अपने भविष्य के बारे में, आने वाले कल के बारे में कुछ अच्छी योजना नहीं बनाई। अगर हम प्रतिदिन अपने कार्य को निश्चित समय पर करें तो हमारा भविष्य भी सुखमय और उन्नति, निरंतर उन्नति भरा होता है। समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इतिहास सिखाता हमें समझना। हम अपने इतिहास से क्या सीखते हैं कि इस पृथ्वी पर कई योद्धाओं का, महापुरुषों का जन्म हुआ। जिन लोगों ने अच्छे काम किए आज वही हमारे सामने अमर है। जिन लोगों ने बुरे काम किए वो अमर तो नहीं है, लेकिन हम बुराई के लिए उनका नाम अवश्य याद करते हैं। तो हमारा इतिहास, हमारे ग्रंथ यही सिखाते हैं कि समय पर अगर हम संभल जाएं, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले तो एक दिन हम अपने जाने के बाद अपना नाम अमर कर जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी हमें हमारे अच्छे कार्यों के लिए याद करेगी। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। दिशा मतलब लक्ष्य। जीवन हमको क्या सिखलाता है कि अगर हम अपना लक्ष्य बदल लें तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम हमेशा असमंजस में रह जाएंगे कि हमें करना क्या है। अगर हमने समय रहते अपने आप को चेत लिया, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, तो हमारा कार्य योजनाबद्ध तरीके से चलता रहेगा। समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। मुक्ता अर्थात मोती। जीवन को मोती कहा गया है। जिस प्रकार से सीप में कहा जाता है कि एक ही मोती बनता है और वह मोती अत्यंत मूल्यवान होता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी, मनुष्य का जीवन भी अत्यंत
मूल्यवान है जो एक बार मिला है और हमें हमारे इस जीवन को अच्छे लक्ष्य के लिए, अच्छे कार्यों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और यह कब संभव है? जब हम समय के साथ अपने कार्यों को करना सीखे, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखे। और नहीं तो क्या होगा, कितना भी हम प्रयत्न करेंगे पर समय नहीं रुकेगा और हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कवि ने अनेकों उदाहरण दिए हैं, सात समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए, समय इशारा जब करता है तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। सात समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता। बच्चों आप सभी परिचित हैं कि ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन यह कब होता है? अपने निर्धारित समय पर। जिस समय गर्मी का मौसम आना है उसी समय गर्मी पड़ती है, गर्मी के बाद वर्षा का मौसम है तो उस समय वर्षा आती है, वर्षा ऋतु के बीच जाने के बाद शीत ऋतु का समय है तो उस समय शीत ऋतु आती है, और जब वसंत का मौसम होता है तो उसी समय वसंत आता है। ऐसी कोई भी ऋतु नहीं है जो इधर की उधर असमय आ जाए। तो ये इन ऋतुओं के परिवर्तन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर चीज का एक निश्चित समय है, निर्धारित समय है, वह अपने समय पर होती ही है। जब समय इशारा करता है तब ऋतु चक्र मुड़ता है। हम लाख चाहे कि इन चीजों को अपने अनुसार मोड़ ले, अपने अनुसार कार्य करे तो कभी नहीं हो सकता है। हमें समय के इशारे पर चलना होता है। तो क्यों न हम अपने जीवन में बुद्धिमान बनने के लिए, प्रगतिशील बनने के लिए समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा, समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफा उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। योद्धा, वीर पुरुष, महापुरुष, शक्तिशाली पुरुष, इस पृथ्वी पर आपने कितनी योद्धाओं की कहानी पढ़ी है, अशोक, सम्राट अशोक हो, सिकंदर हो, या फिर अन्य कोई भी योद्धा हो, कितने लोग इस धरा पर अवतरित हुए, लेकिन समय ने सबको मारा। समय जब उनका पूरा हो गया तो वो सब काल कल्पित हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। अंगारा हम किस कहते हैं? जो कोयला जलता है और लाल रंग का जलने पर हो जाता है उसको अंगारा कहा जाता है। तो समय तूफानों के लिए, योद्धाओं के लिए, सबके लिए अंगारे के समान हो गया। क्यों अंगारे के समान हो गया? कि उनका समय पूरा हो गया था और वो इस पृथ्वी से चले गए। लेकिन क्यों याद रह गए इस पृथ्वी वासियों के लिए? अपने अच्छे या बुरे कर्मों के लिए। तो हमें हमारे इतिहास ने, ये महापुरुषों के, योद्धाओं के इतिहास ने क्या सिखाया है कि समय के आगे कोई भी कभी टिक नहीं सका है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली, बलशाली क्यों न हो। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। हम लाख चाहे प्रयत्न कर ले, लेकिन तूफान भी, आंधी भी ब्रह्मांड में निश्चित समय से पूर्व नहीं आती है। अर्थात हम कितना भी अपनी ओर से उथल पुथल मचाने की कोशिश करें, लेकिन समय के आगे मनुष्य सदैव
हार ही गया है। बच्चों, इस पाठ से आपको क्या सीख मिली कि समय का किसी के साथ कोई बंधुत्व मित्रता का संबंध नहीं है जो उसे जोर देकर लौटाया जा सके। उस पर किसी का पराक्रम भी नहीं चलता। हम लाख कोशिश करें, एक बार जो समय बीत जाता है वह लौटकर वापस नहीं आता। इसके लिए कवियों ने कई सारे उदाहरण दिए। कबीरदास की भी के दोहे को भी आप याद कीजिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कार्य को आप कल करने वाले हैं उसको आज कीजिए, जिसको आपने आज करने के बारे में सोचा है उसको अभी कीजिए, नहीं तो कल क्या होने वाला है किसी को कुछ भी पता नहीं है। जिस प्रकार से अभी हम सब अपने अपने घरों में एक तरह से कैद हैं, किसके कारण? प्रकृति के से छेड़छाड़ करने के कारण। हम आज लाख कोशिश कर भी उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में हमें क्या करना है? अपने समय का सदुपयोग करना है कि आगे जब हमें संकट से मुक्ति मिले तो हमारा समय बर्बाद ना हो, हम उसका सदुपयोग करके आगे बढ़ते हुए सबसे मिले। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा के लिए आप सभी के लिए इतना ही।